जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलर्स चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें नई नई कहानियों के साथ साथ नए नए कलाकार अभिनय करते नजर आते हैं, और उन कलाकारों में अभिनेत्री अभिनेता ही नहीं बल्कि बाल कलाकार भी शामिल होते हैं, जो अपने चुलबुले अंदाज और शरारत भरे किरदार के चलते बहुत ज्यादा मशहूर हो जाते हैं, और इसी के चलते ये किसी पहचान के मोहताज भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलर्स चैनल पर अब तक नजर आ चुके वो बाल कलाकार आज बहुत ही ज्यादा बदल चुके हैं, जिन्हें आप पहली नजर में पहचान भी नहीं सकते। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कलर्स चैनल पर नजर आए चुनिंदा बाल कलाकारों के आज के बारे में बताने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन बाल कलाकारों के आज के बारे में। नंबर एक पर है तनीष खान। इस लिस्ट की पहली कड़ी में बाल कलाकार ताशीन शाह का नाम शुमार है, जो रूप मर्द का नया स्वरूप में किंजल की भूमिका अदा करती हुई नजर आई थी, और ये आज बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। जी हाँ, इन्होंने आज अपनी 14 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है। जहाँ ये शो में फ्रॉक में नजर आई थी, साथ में दो चोटी कर रखी थी जिसमे बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी, वही ये आज फैशनेबल कपड़ों को पहनती है। इसी के साथ ही इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा हुआ है, जो मैडम सर शो में एक एपिसोड में नजर आई थी। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो ये फिलहाल अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं और अपने मम्मी पापा के साथ एक अच्छी लाइफ जी रही हैं। नंबर दो पर है जन्नत जुबैर रहमानी। कलर्स चैनल के पॉपुलर सीरियल फुलवा में छोटी फुलवा का किरदार अदा करने वाली जन्नत जुबैर भी हमारी इस लिस्ट में शामिल है, जो शो में सूट और चोटी किए हुए काफी ज्यादा मासूम सी नजर आती थी। वहीं गांव की एक मासूम सी लड़की के रूप में नजर आने वाली जन्नत आज काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं। बीते सालों में इन्होंने अपनी 20 साल की उम्र पार कर ली है, जिसके चलते आज ये बेहद ही खूबसूरत नजर आती हैं, जिनकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है इनका जबरदस्त स्टाइल, जिस पर हर कोई दिल हार बैठता है। इसी के साथ ही इन्हें आखिरी बार खतरा 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 रियलिटी शो में देखा गया था, वहीं ये पर्सनल लाइफ में इन दिनों फैजल खान को डेट कर रही हैं। नंबर तीन पर है अविनाश मुखर्जी। कलर्स चैनल का मोस्ट पॉपुलर शो रहा है बालिका वधु, जहां छोटी सी आनंदी बनकर अविका गौर ने सबका दिल जीता था, तो वहीं छोटे जगदीश का किरदार निभाकर अभिनेता अविनाश मुखर्जी ने भी दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अगर बात करें इनके आज के बारे में, तो बता दें कि ये आज 24 साल के हो गए हैं और काफी बदल गए हैं। जहां शो में ये पहले काफी सिंपल और क्यूट अवतार में नजर आए थे, वहीं आज ये काफी हैंडसम और माचो पर्सनालिटी वाले एक्टर बन गए हैं। इनका ड्रेसिंग सेंस भी काफी बदल चुका है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने अपने अभिनय करियर को आज भी जारी रखा हुआ है, जो ससुराल सिमर का सीजन 2 में आरव का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो ये फिलहाल अभी सिंगल हैं और इन दिनों सलोनी लूथरा को डेट कर रहे हैं, जिनके साथ ये बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। नंबर चार पर है स्पंदन चतुर्वेदी। अब बात करें कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो उड़ान के बारे में, जिसमें चकोर का किरदार बाल कलाकार स्पंदन चतुर्वेदी ने निभाया था और अपने इस किरदार के चलते बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई थी। जहां ये शो में छोटे से फ्रॉक और खुले बाल में दिखाई दी थी, जिसमें ये बहुत ही खिलखिलाती और बेफिक्र नजर आई थी, वहीं आज ये अपनी 14 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी हैं और अपने 14 साल की उम्र में टी शर्ट फ्रॉक जैसे सभी कपड़ों को कैरी करती हैं और दिखने में बहुत ही खूबसूरत भी नजर आती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इसी के साथ ही इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा हुआ है, जो RRR मूवी में यंग सीता का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। नंबर पाँच पर है स्पर्श खान चंदानी। दर्शकों की पसंदीदा बाल कलाकारों में एक नाम स्पर्श खान चंदानी का भी शामिल है, जिन्हें आप सभी ने छोटी सी इच्छा किरदार में देखा होगा, जो अपने इस किरदार में दो चोटी बांधे और रंग बिरंगी फ्रॉक पहने काफी ज्यादा क्यूट नजर आती थी। बता दें, दर्शकों के दिलों में बसने वाली ये बाल कलाकार आज काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। इन्होंने इस साल अपनी 21 साल की उम्र पार कर ली है और इसीलिए शो में ये फ्रॉक और दो चोटी में नजर आने वाली इच्छा आज अपने इस रूप में काफी ज्यादा अलग और खूबसूरत नजर आती हैं, जो इनकी ये तस्वीरें भी बयां करती हैं। बता दें कि ये अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं, जहां रहते हुए इन्होंने आज अपने अभिनय करियर को पूरी तरह विराम दे दिया है और IAS की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको इन बाल कलाकारों में से किस बाल कलाकार की एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है,
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।